रुको, दो मिनट रुको ना सर, प्लीज। हेलो गाइस, एक मिनट रुको ना सर प्लीज। हेलो हेलो सर प्लीज, एक मिनट सर सुन ली, प्लीज प्लीज सर, कर कर सुन रहा, एक मिनट सर प्लीज, देखो ना एक मिनट, ये नहीं एक मिनट देखो ना सर प्लीज प्लीज सर प्लीज, कर सुन रहा, एक मिनट सर बात कीजिए, नहीं नहीं एक मिनट बात कीजिए सर हमसे, एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट दीजिए ना प्लीज सर, नहीं नहीं पैर छू रहा हम आपसे, एक मिनट बात कीजिए ना हमसे प्लीज सर, एक मिनट सर, इतने लोग देख रहे हैं ना हमारे सामने। हेलो सर, आपका नाम क्या है, एक मिनट, नाम क्या, नाम क्या सर, हम आपसे पूछ रहे हैं नाम क्या। हम ये जैन धर्म का स्थान है, हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, हम खाना खाने के लिए आए थे, हम यहाँ पर बैठे, एक अंकल हमको यहाँ पर मिले, हमको पता नहीं आप जो शब्द बोल रहे थे, बोलते रात को मुठ्ठ मारते हो क्या, भीख मांगते हो क्या, कहाँ पर सोते हो, नाम क्या प्लीज, एक मिनट एक मिनट, इधर देखिए ना, नाम क्या आपका पूछ रहे हैं, एक मिनट सर। हेलो, आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जो युवा लोगों को बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे बोल रहे थे दारू पिए होंगे क्या, आप क्या चाहिए आपको, लड़की चाहिए औरत चाहिए, हम सब आपको दिलवा देंगे, हमारे सामने पेश ही नहीं कर रहा, आप इधर देख रहा कि नहीं, आप अपने आपको चेहरा छुपा रहे किधर, यहाँ पर इतने लोग हैं सारे, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए, ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं यहाँ पर, हमको पता ही नहीं था। यहाँ पे सारे काफ़ी भैया लोग बैठे हैं यहाँ पर, देखिए ऐसे हम सब लोग आराम से बैठे थे, वो आदमी आया पता नहीं अचानक क्या 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 बोल रहा था भैया, यहाँ पे सभी भैया लोग बैठे हैं यहाँ पर। प्रसन्न सागर महाराज जी के प्रवचन चालू हैं, उनके पास से छात्र दिन तपस्या के पूर्ण हुए, इस कारण बच्चे कल्याणक रखा है सेठी परिवार की तरफ से, लेकिन जो जैन महानुभव और इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं, और जैन समाज की परंपरा ऐसी है, वो पुरातन संस्कृति के हिसाब से जब त्याग तपस्या करते रहते हैं, और इतने बड़े पावन धर्म भूमि पर आए हैं, शिखर जी समय शिखर झारखंड पर, ऐसे वाक्य बोलना अनुचित है और दोष लगते हैं, इसी कारण ऐसे इंसानों को हम सब आपस में बैठे हैं आराम से बात करते हैं, वो भैया पता नहीं कहाँ से आया, वो तो मैं तक अपने आप वो शब्द बोल रहे थे, याद अनेक महापुरुषों ने तपस्या की है, जैन साधुओं ने ऐसे पावन धर्मभूमि पर ऐसे अनर्गल उच्चार नहीं निकालना चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो पहले लोगों को पूछना चाहिए हम किससे क्या ऐसे बात कर रहे हैं, लोगों को तो दुनिया में जगह नहीं होना चाहिए, ये तो जैन धर्म का नाम बदनाम हो गया ना, पुण्य भूमि पर आए हैं और कुछ अच्छी बातें करे तो कुछ पुण्य कमाना चाहिए, तो ऐसे बातें अलग अलग टेढ़े बातें करके अपने पर दोष लगा दिया, ऐसे इंसानों को बाहर करना चाहिए, मुंह छुपाने लगा, ये गलत है कि नहीं, ये हमने गलत नहीं किया ना, सही किया ना, वीडियो बनाया, सही बात है, सही बात, हम ये वीडियो डालना नहीं चाहते थे, यहाँ पे काफी लोग हैं, भैया बोले डाल दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो शब्द बोलना है कि कुछ भी आके बोलने लगा, हमको पूछना चाहिए ना, हम एक टूरिस्ट है क्या कर रहे हैं, हमको जाओ, तुम कुछ भी हो नौकर हो 30,000 कमाते हो, घमंड है अपने आपके ऊपर रही, तो मैं ये आपके सामने बात रखता हूँ, यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ।